लोकसभा चुनाव के बीच देश के लोगों के लिए एक बड़ी खबर अमेरिका से आई। सूचना के मुताबिक खूंखार आतंकी मसूद अजहर को यूएन ने बैन कर दिया, जिसकी मांग भारत पिछले 10 सालों से करता रहा है। मोस्ट वांटेड आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत पुरानी है। पाकिस्तान की गोद में बैठा आतंकी मसूद अजहर लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है, भारत के खिलाफ आए दिन नई साजिशें रचता रहा है। उसने भारत में कई बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता रहा। हैरान करने वाली बात ये रही कि जब जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की मांग उठाई, तो केवल चीन ने भारत के प्रस्ताव का विरोध किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि चार चार बार। लेकिन पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आई। सभी देशों ने पुलवामा हमले की खुलकर निंदा की। ऐसे में चीन पर भी दबाव बढ़ गया, लिहाजा अब जाकर भारत को लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के दुश्मन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर ही दिया। मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव का अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन लगातार समर्थन करते रहे, लेकिन चीन हमेशा इसमें अड़ंगा लगाता रहा। अमेरिका ने भी इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और ये उसी का परिणाम था कि चीन झुका और आतंकी मसूद अजहर आतंकी घोषित किया गया। आइए आपको बताते हैं कि भारत ने कैसे इस आतंकी को अंजाम तक पहुंचाया। साल 2009, भारत ने पहली बार अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिससे आतंकी मसूद अजहर के विश्व में कहीं भी यात्रा करने पर प्रतिबंध लग जाए, उसकी संपत्ति पर रोक लगे और उस पर हथियार संबंधी पाबंदी भी लागू हो जाए, लेकिन चीन ने इस कदम को रोक दिया। साल 2016, भारत ने एक बार फिर P3 अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति में अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया। साल 2017 में एक बार फिर भारत ने P3 देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन सुरक्षा परिषद में चीन ने फिर वीटो कर दिया। 27 फरवरी 2019, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया। 13 मार्च 2019, जैश प्रमुख को काली सूची में डालने के प्रयास को एक बार फिर चीन ने पूरा नहीं होने दिया। अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने का पिछले 10 सालों में ये चौथा प्रयास था। 28 मार्च 2019, अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन से पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूह के प्रमुख को काली सूची में डालने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीधे एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया। 3 अप्रैल 2019, अमेरिका की जैश प्रमुख को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के लिए मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल करने की धमकी पर चीन ने कहा कि वॉशिंगटन मामले को उलझा रहा है और ये दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता के लिए सही नहीं है। 30 अप्रैल 2019, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की प्रक्रिया में कुछ प्रगति हुई और उससे उम्मीद है कि ये विवादास्पद मुद्दा ठीक तरह से हल हो जाएगा। 1 मई 2019, चीन के अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रस्ताव पर से रोक हटाने के बाद 1267 प्रतिबंध समिति ने अजहर को एक वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। कुल मिलाकर देर आए दुरुस्त आए और जो हुआ अच्छा ही हुआ।